रोगी कल्याण समिति की साधारण सभा बैठक विधायक सुश्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण निर्णयों के साथ संपन्न हुई, जिसमें सबसे पहले विधायक महोदया ने स्वास्थ्य विभाग महेश्वर की टीम को सैल्यूट करते हुए इस महामारी में दी गई स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य विभागों की प्रशंसा की। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट के लिए सभी दानदाताओं को धन्यवाद दिया है। तहसीलदार विवेक सोनकर ने बताया कि महेश्वर में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना हेतु जन सहयोग से लगभग 37 लाख और डॉक्टर साधो जी की विधायक निधि से 11-11 लाख रुपए रोगी कल्याण समिति के खाते में राशि जमा है। डॉक्टर साधो ने बीएमओ और डॉक्टर लच्छेटा से विस्तृत जानकारी ली कि मरीजों के लिए ऑक्सीजन प्लांट होगा, बिजली जाने पर क्या सोलर सिस्टम होगा। इस पर डॉक्टर द्वारा बताया कि लगभग 30 से 40 मरीजों के लिए ऑक्सीजन प्लांट की आवश्यकता है, जिस पर आज इस बैठक में डॉक्टर साधो ने तत्काल क्रय समिति बनाकर शॉर्ट टेंडर निकालने के निर्देश भी एसडीएम बीएमओ को दिए। साथ ही डॉक्टर साधो ने विधायक निधि से स्वास्थ्य विभाग के आईसीयू में लगने वाले विभिन्न उपकरणों के लिए राशि 10 लाख रुपए की स्वीकृति भी दी, जिससे अब विभिन्न प्रकार की जांचें एवं मेडिकल टेस्ट होंगे, जिन्हें अब बाहर प्राइवेट नहीं करवाना होंगे, जो अब न्यूनतम दर पर शासकीय हॉस्पिटल में ही होंगे। इनके अलावा महेश्वर और करही में एम्बुलेंस हेतु भी शासन को पत्र लिखा जाएगा। सभी सीएमओ से नगरों से सैनिटाइजर, साफ सफाई, मुक्तिधाम की जानकारी भी ली। पीएचई विभाग से वर्तमान में चल रहे जल जीवन के अंतर्गत निर्माण कार्यों, पेयजल टंकी, पाइपलाइन की जानकारी भी ली एवं अन्य विभागों की भी डॉक्टर साधु ने समीक्षा की। डीजीआरआर न्यूज निवाड़ रिपोर्ट, मंडलेश्वर।